अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये आपका नाम? ये मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, माशाल्लाह नाम तो बहुत अच्छा है। जी आपको कितना अर्सा हो गया इधर आए हुए? मुझे तकरीबन इस कंपनी में तीसरा साल है। माशाल्लाह 3 साल हो गए इधर आए। साल हो गया। तो सऊदीया में आए हुए कितना अर्सा हो गया? सऊदीया में तकरीबन 3.5 साल हो गए। सही, यानी कि 6 महीने बाहर किया काम और 6 महीने मैं पहले जल्दी चला गया था, 3 महीने के बाद मैं पाकिस्तान चला गया था। इतनी जल्दी क्यों? बस दिल नहीं था लगता इधर, रात को उठ के बहुत रोता था मैं, बच्चों के लिए बीवी के लिए, तो फिर मैं चला गया। तो आपकी शादी हो चुकी है? हाँ मेरी शादी हो चुकी है माशाल्लाह, मेरे 2 बेटे हैं 2 बेटे। माशाल्लाह। तो इधर आए, जब आप इधर आए थे उस वक्त आपके कितने बच्चे थे? उस वक्त मेरे 3 बच्चे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप उनकी याद तो सताती होगी? हाँ बिल्कुल, जब भी फोन करता था तो ऐसे ही बात। ये आपने लिखा है? हाँ। कि क्या लिखा? अकेला बैठता हूँ तो अपने दिल की दास्तान खुद ही लिख कर सारे दिन लिखता रहता हूँ और याद करता रहता हूँ, किसी की याद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी शायरी भी बहुत अच्छी है। काम के बारे में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ यही कि आप अब मुअल्लिम हैं या अभी लेबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, अकेले काम कर सकते हैं। हाँ तो मैंने सुना था फोरमैन साहब कह रहे थे कि ये आसिफ भी मुअल्लिम है, तो यकीनन आप ही नाम ले रहे थे। हाँ काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा करते हैं, इधर करते भी हैं। अभी मेरे साथ एक नया लड़का आया हुआ है पाकिस्तान से, अली हसन, वो मेरे साथ अभी काम कर रहा है, तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंजीनियर को हमारा काम बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा लड़का है, पेप्सी पिलाता है कभी कभी, तो ज़रूरी नहीं होता कि कुछ खाए पिलाए तो उससे आदमी खुश हो, वो वैसा भी। और आपके ग्रुप में कितने बंदे हैं इस वक्त? हमारे ग्रुप में इस वक्त 13 आदमी हैं। आपके फोरमैन का नाम क्या है? हमारे फोरमैन का नाम है नईम अख्तर। अच्छा, वो भी पाकिस्तानी है? हाँ पाकिस्तानी है, गुजरात के रहने वाला है और खुश अखलाक आदमी है, अच्छा आदमी है, उसके साथ काम करने का मज़ा आ रहा है। कभी भी उसने हमको लेबर नहीं समझा, ना ही हमने उसे कभी फोरमैन समझा, भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा वक्त गुजर रहा है कंपनी में उसके साथ। मुझे ये जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ मैं फोरमैन के साथ ही काम कर रहा हूँ, नईम के साथ काम कर रहा हूँ, तो भाइयों की तरह काम करते हैं। अच्छा माशाल्लाह स्टाफ करें। और आपके ग्रुप में जो लड़के हैं उनके नाम क्या है? हमारे ग्रुप में एक इंडियन लड़का है दानिश। अच्छा, बाकी तमाम आदमी 12 के 12 आदमी जो है वो पाकिस्तानी है। मेरे घर में एक जैन है, जैन है जैन है, वो गोते का है, और तारक सियालकोट का है, और एक आसम भट्ट है वो कराची का है, चाचा अनवर अली रंगवाल है वो सियालकोट का, और इसी तरह एक इस्लाम लड़का है वो भी गुजरात का है, वसीम कमर पठान है वो पिशावर का, और एक लड़का है वकास वो गुजरा वाले का, शबीर अहमद वो जो है वो आज़ाद कश्मीर का है। बात ये नहीं कि किस शहर का हो, यहाँ कि ये देखना चाहिए कि हम मुसलमान भाई हैं, इधर सबको मिलकर पाकिस्तानी भाई हैं, मिलकर हम काम करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, ध्यान रखते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता है, इसलिए कि दुख सुख में हम बराबर के शरीक हैं। तो आपकी ये यूनिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके जब आपने इधर काम पहना था? ये इधर यूनिफॉर्म ये हमारे लिए लाजमी हो चुका है, ये हमें कंपनी की तरफ से मिलता है, ये हेलमेट है, ये इसे हम लाजमी सर पर रखना होता है, इसके बगैर इधर सेफ्टी वाले घूमते हैं वो पकड़ेंगे, हमारे 2 दिन की हाजिरी काट लेंगे। और सेफ्टी शूज़ हैं ये, हमारे सेफ्टी शूज़ होते हैं ये, अल्लाह जानता है या हम जानते हैं ये गर्मियों में हम किस तरह ये सेफ्टी शूज़ पहन कराते हैं, इसमें पैर जो है वो बिल्कुल खराब होने का अंदेशा होता है, क्योंकि पसीना बहुत आता है पैरों में, लेकिन मजबूरी के तहत इधर हम ये सेफ्टी शूज़ पहनने पड़ते हैं। थैंक यू, आपने हमारे चिराग चैनल पे आने की आपकी मेहरबानी। अब हम शुक्रिया, कोई बात हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम जाने की जल्द से। हाँ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।